ये एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है जिसमें मैं अपने व्यूज रख रहा हूँ कि आखिर मैं क्या सोचता हूँ। तो अभी तक जितना भी मैंने ऑब्जर्व करा है या जितनी भी नॉलेज गेन करी है एनिमे टॉपिक के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ करण और आप देख रहे हैं कैमरा बॉयज। रिसेंटली मेरे चैनल पर सेकेंड स्ट्राइक आ गई जिसके मारे मैं अपलोड नहीं कर पाया और मेरी ये एनिमे की वीडियो यहीं की धरी रह गई। एक्चुअली सेकंड स्ट्राइक में ये हुआ था कि मेरे चैनल पर मैं कुछ भी सेव नहीं कर सकता अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर सकता, कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकता 1 वीक का। तो अब वो बैन हट गया है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप एनिमे कहाँ से देखते हो? उसके लिए आप शायद यूट्यूब यूज करते होगे। मैं आपको 2 वेबसाइट बता देता हूँ जिसमें आप हर टाइप का एनिमे देख सकते हो और जहाँ पे आपको एनिमे की हर एक न्यूज मिल जाएगी कि कौन सा एनिमे रिलीज हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। एक वेबसाइट है किस एनिमे और दूसरी वेबसाइट है गोगो एनिमे। इन दोनों वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके वेबसाइट विजिट करिए और एक्चुअल में जो ऑसम एनिमेस है ना वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आपके फेवरेट वन भी और जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे उस टाइप के भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो ये है कि एनिमे कार्टून है या नहीं। ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक हो गया है, कोई बोल सकता है कि हाँ ये कार्टून नहीं है और कोई कह सकता है कि हाँ ये कार्टून है, बट एज पर माई ओपिनियन ये एक टाइप ऑफ कार्टून है। बस इसके अंदर जैपनीज कल्चर है जिसमें वो अपनी कॉमिक सीरीज को एनिमेशन की फॉर्म में लेकर आए हैं और उन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया है एनिमे। तो आप इसको कार्टून बोल भी सकते हो नहीं भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है। बाकी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कार्टून से कितना अलग है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर। अगर आप जापान में किसी भी एवरेज बंदे से पूछोगे कि ये कार्टून है या फिर नहीं, तो उनका एक ही आंसर होगा नो। मैंने अपनी Q&A वीडियो में बताया था कि मैं जब भी खाना खाता हूँ तो मैं एनिमे देखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, एनिमे इज वेरी एडिक्टिव एंड यू कैन लर्न मेनी थिंग्स आउट ऑफ इट। अब मुझे एनिमेस के अंदर जो कैटेगरीज पसंद है वो है एक्शन, थ्रिलर, ओवर पावर करेक्टर एनिमे। ओवर पावर करेक्टर एनिमे का मतलब ये है कि एग्जाम्पल में वन पंच मैन, जिसकी पावर इन्फिनिटी है, किसको कुछ नहीं पता, जो भी उसके सामने आता है विलन उसको वो एक पंच में डेड करता है। एक बात ये और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ एनिमे इन इंडिया। एनिमे वर्ड इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये पॉपुलर और ज़्यादा होता जा रहा है। अभी स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत पुराना हो चुका है, लगभग 2 या 3 वीक्स हो गए हैं। बिकॉज ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक मैं ये अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। मे बी आप जानते हो इसके बारे में। इफ़ यू कुड हैव ओनली वन डिस्क्लेमर, दिस इज जस्ट अ माइक टेस्ट। सेकेंड गेम Season 3 एनिमे इन हिंदी। अब इसका एक ही मतलब है, एनिमे के ऊपर प्रोडक्शन कंपनी का इंटरेस्ट आ रहा है। अब मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि एनिमे हिंदी में क्यों नहीं आ रहा है। एनिमे की कंडीशन इंडिया में बहुत अच्छी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि एनिमेस के कैटेगरीज के भी सब कैटेगरीज है, लाइक एनिमे के अपने जेनरे हैं। अब मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि मुझे इस टाइप की कैटेगरीज के एनिमे पसंद है, हो सकता है आपको डिफरेंट कैटेगरी पसंद हो, लाइक कि स्कूल टाइप के एनिमेस, रोमांटिक एनिमेस। अब मैं यहाँ पे एक पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लाखों की बातें कर रहा हूँ, हजारों की बातें कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा वन पंच मैन का, मुझे पसंद है, आपको पसंद है, हो सकता है आपके दोस्त को पसंद ना आए, या मुझे इस टाइप के एनिमे पसंद है मैं यही देखूंगा, और मुझे वन पंच मैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नारुतो देखूंगा, नारुतो अच्छा है। अब हो सकता है कि नेटफ्लिक्स ने प्रोडक्शन कर दिया वन पंच मैन का हिंदी में, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, नेटफ्लिक्स या फिर किसी भी प्रोडक्शन कंपनी ने यहाँ पे पैसे लगाए और यहाँ पे वन पंच मैन लोगों ने देखा, अच्छा लगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैं वन पंच मैन ऑलरेडी देख चुका हूँ और मैं उसको देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लोग जो डिवाइडेड थे, लाइक कि जिनको वन पंच मैन पसंद था उसमें से भी कुछ लोग डिवाइड हो गए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी वन पंच मैन देख लिया और जो देखना नहीं चाहते, तो ये लाखों में से थोड़े और डिवाइड हो गए। अब जापान में जो एनिमे है हर एज को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप 30+ हो गए तो मोस्ट प्रोबेबली आप एनिमे नहीं देखते, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाओगे कि आप नहीं देख पाओगे। एनिमे इंडिया के अंदर यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब एग्जांपल में 16 से लेकर 30 के बीच में, इस एज के बीच में एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ओवर 30 एनिमे की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती जा रही है और इंडिया के अंदर टाइम टू टाइम टेस्ट चेंज होता रहता है। या अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको लगेगा हाँ यार इंडिया के अंदर ट्रेंड चलता रहता है और वो डेड हो जाता है। तो इंडिया के अंदर ट्रेंड आता है जाता है। तो इंडिया के अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं है और ये अच्छी बात भी है, बट नॉट फॉर एनिमे। अब देखा जाए जापान के अंदर ही, वहाँ पे लड़कियाँ भी एनिमे देखती हैं, लेकिन इंडिया में लड़कियों के बीच में इतना पॉपुलर नहीं है एनिमे। अब यहाँ पे आप लाखों में से थोड़ा और डिवाइड कर दो, ये कैटेगरी भी डेड। अब देखा जाए लाखों बंदों में से इतने सारे लोग अगर डिवाइड हो गए हैं तो कंपनी को कहाँ पे फायदा होगा। इसलिए एनिमे हिंदी का जो फ्यूचर है इंडिया के अंदर वो थोड़ा सा डार्क है। अब जिस कंपनी ने उस पर पैसे लगाए और उसके वो पैसे भी रिकवर नहीं हुए, तो पैसे लगाने का फायदा ही क्या, अपना लॉस कौन देखता है। इंडिया के अंदर वेब सीरीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि वेब सीरीज़ का जो टारगेट है वो है यूथ। जो एज है जिनके बीच में वेब सीरीज़ पॉपुलर है वो है 16 से लेके
45 तक। अब वहीं देखा जाए एनिमे की जो पॉपुलैरिटी है वो है तीन पार्ट में, एज, जेनरे और इंटरेस्ट। अगर एनिमे हिंदी में आता है तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, पुराने एनिमे को डब ना करके आप न्यू एनिमे सीरीज़ को डब करें। एग्जाम्पल में ब्लैक क्लोवर, ब्लैक क्लोवर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि ये एक ऑनगोइंग सीरीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है इंडिया में। अगर इसका एक एपिसोड रिलीज़ हो रहा है और उसके नेक्स्ट वीक में हिंदी एपिसोड रिलीज़ हो रहा है तो मैं हिंदी एपिसोड के लिए 2 वीक्स वेट करने के लिए रेडी हूँ। हो सकता है कि मेरी तरह कितने ही रेडी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हिंदी में आ रहा है तो वो देखने में ज़्यादा मजा आएगा बजाय कि सबटाइटल के साथ। सो व्हाट एनिमे गिव अस, रियल लाइफ स्किल्स, फ्रेंडशिप, डिटर्मिनेशन, टाइम मैनेजमेंट, चेंजेस वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स लाइफ, ब्रेन डेवलपमेंट, थिंकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड वैल्यू। कुछ क्वेश्चन जिनके मैं आंसर देना चाहता हूँ, आपका फेवरेट एनिमे कौन सा? ओके, जो मेरा फेवरेट एनिमे है वो है नारुतो। टॉक अबाउट स्टूपिड मेंटेलिटी ऑफ पीपल हु से एनिमे इज कार्टून। आप एनिमे को कार्टून कह सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप उसको जैपनीज कार्टून कह सकते हो, ये सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो इसमें कोई स्टूपिडिटी तो नहीं आ सकती। जिसको एनिमे का मतलब नहीं पता तो मैं उसको सिंपली बोल देता हूँ, हाँ भाई मैं कार्टून देखता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, जिनको पता नहीं है इसके बारे में आखिर ये है क्या, तो वो उनको कार्टून कह सकते हैं, लेकिन ये कार्टून है नहीं। सार्केस्टिक सिंह रिव्यू ऑन वन पीस। वन पीस का एपिसोड रिलीज होता है संडे को सुबह, टाइम एग्जैक्ट पता नहीं है, अराउंड 7, 8, 9 के आसपास, और जब भी मैं जगता हूँ सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देखता हूँ। तो संडे को मैं जब भी जगता हूँ सबसे पहले लूफी का वो एपिसोड देखता हूँ जो रिलीज हुआ है। एज पर मी लूफी का रिव्यू है 10/10, इंक्लूडिंग मी, सबके लिए हैट्स ऑफ जो पूरे वीक वेट करते हैं एक एनिमे के एपिसोड का रिलीज होने का और उसको देखते हैं। अब तो मुझे ये भी याद नहीं है कि कितने जेनरे में देख चुका हूँ एनिमे के और कितनी सीरीज में कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरे को इतना भी याद नहीं है। बहुत सारे एनिमेस मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ और अभी भी देख ही रहा हूँ, न्यू सीरीज कभी ना कभी देख ही लेता हूँ। तो प्रोडक्शन कंपनी के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और प्रेफर करूंगा, अब कुछ एनिमेस ऐसे हैं जिनके 12 एपिसोड है, 24 एपिसोड्स है, 48 एपिसोड है। एग्जांपल में जो एनिमे है मॉब साइको 100, हीरो अकेडमी, इस टाइप के जो एनिमेस हैं ये शॉर्ट में आते हैं, सीजन वाइज आते हैं और ये बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। अब इन सब बातों का एक ही कंक्लूजन है, फ्यूचर है एनिमे का इंडिया के अंदर, बट एनिमे हिंदी में देखा जाए तो वो फ्यूचर थोड़ा डार्क है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा इस टॉपिक के ऊपर कमेंट्स में, तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। पैक अप, पैक अप, पैक अप।